हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना हमारे देश में बहुत ज़ोर शोर से फैल रहा है और इसके रोकथाम के लिए हमें घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और स्टीम लेते रहना चाहिए हमेशा, और ज़रूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, बिना काम का बाहर ना निकलें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इस तरह के काढ़े की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। आज मैं दो तरह से आपको काढ़ा बनाना बताऊंगी। तो आज के समय में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए ये काढ़ा हमारे बहुत काम की चीज़ है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए अगर कोई संक्रमित नहीं है तो भी इसे पीना चाहिए, ताकि इस कोरोना नामक महामारी से हम बचे रहें। खांसी, सर्दी, बुखार, इन सारी चीज़ों से ये काढ़ा हमें बहुत बचा कर रखता है और कोरोना तो हमसे कोसों दूर रहता है। तो चलिए इस काढ़े को हम बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 10-15 लवांग लिया है। लवांग जो है गले में सूजन या गले में कोई दर्द है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और उसी का डबल मैंने काली मिर्च लिया है, ये भी गले के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, और ये दोनों की तासीर गर्म है तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक बड़ा चम्मच हमने सौंफ लिया है। सौंफ इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे 4 मैंने हरी इलायची लिया है। हरी इलायची ना हो तो आप काली वाली इलायची भी ले सकते हैं। इलायची हमारे काढ़े को खुशबू और फ्लेवर तो देगी ही, साथ ही ये एंटीबायोटिक होती है, साथ ही गले में इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यानी कि थोड़ा भी इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा भी संक्रमण है तो इस काढ़े से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हमने ये देखिए दालचीनी का ये जो टुकड़ा है ये ले लिया है, करीब ये 2-4-5 इंच का टुकड़ा है। इसे अच्छे से हमने धो लिया है ताकि इसमें कोई गंदगी हो तो वो निकल जाए, धूल वगैरह लगी रहती हैं तो वो निकल जाए। तो दालचीनी सर्दी खांसी गला ख़राब को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही हमने ये 4-5 तेज पत्ता लिया है। ये छोटे छोटे हैं तो मैंने 4-5 ले लिया है, अगर आपके पास बड़े हों तो आप 2 या 3 ले लीजिएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है हमारे गले को। यहाँ एक बड़ा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, सर्दी खांसी इसमें अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, साथ ही ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है। तो मीठा करने के लिए यहाँ पे हम गुड़ का उपयोग करेंगे। चीनी या शक्कर इसमें बिल्कुल मत डालिएगा, इसमें जितना भी अच्छा आपको देसी गुड़ मिले उस तरह से आप गुड़ ले लीजिएगा। और ये तुलसी, तुलसी आयुर्वेदा में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, इससे एलर्जी वगैरह कोसों दूर रहती हैं। और ये नींबू है, नींबू कफ को दूर करने में, कफ को फाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और यहाँ पे देखिए हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, अगर आपके पास कच्ची वाली हल्दी हो तो उसको ले लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से हल्दी पाउडर हम सभी के घरों में रहता है। हल्दी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, इससे बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती है। और ये चुटकी भर नमक, नमक और नींबू मिल करके गले में जो कफ वगैरह होती हैं उसे साफ करने में बहुत ही अच्छा अहम रोल अदा करते हैं। तो देखिए हम इसे 2 भाग में कर लेते हैं। अब जो हमारे पास सूखे मसाले हैं, कि जैसे कि ये काली मिर्च, लवंग, सौंफ, दालचीनी, इलायची और तेज पत्ते को हम मिक्सी में डाल करके दरदरा पीस लें। हमें बहुत पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो जब हम काढ़ा बनाएंगे तो ये नीचे सेटल होने लगेगा, तो हमें इन्हें दरदरा ही पीसना है। और इसका एक हमें
प्री मिक्स बना करके रख लेना है। जब भी हम काढ़ा बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें से हम काढ़े में अपने मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम अजवाइन को नहीं पीसेंगे, नहीं तो हमारा जो काढ़ा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस लेती हूँ। देखिए, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें मैं एक चम्मच भर करके सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। जो सूखी वाली अदरक हमारी होती है, सौंठ कहा जाता है उसे, उसको डाल देती हूँ। अगर आप सौंठ इसमें नहीं मिलाना चाहते हैं तो अदरक को कूट करके हम जब काढ़ा बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। देखिए, इसे मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसे एक एयर टाइट बॉक्स में, एयर टाइट बॉटल में हम भर करके रख देंगे। अगर मान लीजिए आपको इन सारी चीज़ों को पीस करके प्री मिक्स नहीं बनाना है तो आप थोड़ा थोड़ा यही चीज़ डाल करके पानी में बॉईल कर सकते हैं। लेकिन जब हम पानी में इसे डाल करके बॉईल करते हैं तो ये हमारा आधा वेस्ट हो जाता है। अगर हम इसे इस तरह से पीस करके रखेंगे तो हम इसका पूरा तत्व पानी में ले सकते हैं और हमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना पड़ेगा। काढ़ा बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक कप काढ़ा बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और देखिए 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पीसा हुआ प्रीमिक्स मिला लिया है। अब यहाँ पे चुटकी भर नमक डालेंगे हम और थोड़ी सी वो हल्दी 1/8 टीस्पून के करीब होगी और 1/2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे अजवाइन लेकर के दोनों हाथों में रगड़ करके इसे इसमें डाल देंगे। अब तुलसी के पत्ते हम डाल देंगे और ऊपर का जो फूल होता है उसे भी हम डाल देंगे। और एक टुकड़ा मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। आप अपने मिठास के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा गुड़ को कर सकते हैं। अब इसे हम बॉईल करेंगे और इसे हम इतना बॉईल करेंगे कि हमारा ये जो 2 कप पानी है उबल करके 1 कप हो जाए। तो एक बार इसमें बॉईल आने देंगे और ये ढक करके हम इसे पकाएंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आता है तब इसका ढक्कन हम हटा देंगे, नहीं तो काढ़ा बाहर गिर जाएगा। तो हम इसे उबलने देते हैं और इसके बाद हम इसे इतना पकाएंगे कि ये पक करके आधा हो जाए। तो देखिए, हमने इसे पका करके 1 कप कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ा सा 2 मिनट ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसमें हम आधा नींबू का रस मिला देंगे। अब आधा नींबू का रस मिलाने के बाद इसका टेस्ट इतना बढ़िया हो जाएगा कि ये आपको ज़रा भी कड़वा लगेगा ही नहीं। और फ़ायदा तो आप जानते ही हैं इस काढ़े का। अब इसे हम छान लेते हैं। इस काढ़े को कम से कम आप दिन में 2 बार लीजिए। अगर 2 बार नहीं ले रहे हैं तो दिन में 1 बार तो आपको इसे लेना ही चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 2-3 चम्मच से ज़्यादा मत दीजिएगा और बहुत छोटे बच्चों को तो डॉक्टर की सलाह से ही दीजिएगा। तो इस तरह से एक काढ़ा हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब खांसी के लिए हम खास करके दूसरी रेमेडी को बना करके तैयार करते हैं। और मान लीजिए आपके पास काढ़ा बनाने का समय नहीं है, बहुत जल्दी में हैं आप और खांसी बहुत तेज आ रही है, तो इसके लिए फटाफट से 2 मिनट में बनने वाली रेमेडी में बता दे रही हूँ। ये खांसी में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ 8-10 मैंने काली मिर्च लिया है और 4-5 लवांग लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर और चुटकी भर काला नमक, आधा नींबू और 1 चम्मच हम शहद यानी कि हनी का यूज करेंगे। तो अब हम एक लोहे का तवा लेंगे। लोहे का तवा पे हम लवांग को, देखिए इस तरह से हमने इसके फूल को तोड़ा नहीं है, इसके साथ ही लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें उतना भूनना है कि जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर ले। लवांग देखिए इस तरह से काली है, इसे भूनते भूनते हम सफ़ेद कर लेंगे, उतना इसे हमें भुनना है। और हमें गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है। अगर हम फास्ट गैस पे इसे भुनेंगे तो ये जल जाएगी, अंदर तक भुनेगी नहीं, इसलिए गैस की फ्लेम को एकदम लो रख करके इसे हमें कलर चेंज होने तक भुनना है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये कभी कभी फूल करके चटकने लगती है, उड़ जाती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा।
तो देखिए लवंग ने एकदम अपना कलर चेंज कर लिया है और ये फूल भी गई। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और बगल में ही हम अदरक को भी रख करके थोड़ा सा अदरक को गरम कर लेते हैं ताकि अदरक भी गरम हो जाए। मैं यहाँ रख दे रही हूँ, लवंग भी हमारी ठंडी हो जाएगी और अदरक गरम हो जाएगा। अब ये गरम हो जाए तो इसके बाद इसे निकाल करके हम इस तरह से इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, या तो आप इसे खलबत्ते में डाल करके कूट लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए। मैं इस तरह से ग्रेट करके और फिर इसको चम्मच से दबा करके इसका रस निकाल लूँगी। देखिए इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, अब चम्मच से इस तरह से मैं इसको दबा दबा करके इसका सारा रस निकाल लूँगी। अब लवंग और काली मिर्च, इसको मैंने देखिए इस तरह से खलबत्ते में डाल करके एकदम अच्छे से पाउडर बना लिया है। देखिए इस तरह का पाउडर बन चुका है ये। अब इस अदरक के जूस में मैं इसको मिला दूंगी। अब जो हमारा हल्दी, दालचीनी और नमक, इसको भी इसमें मिला देंगे। अब आधे नींबू को मैं इसमें डाल दे रही हूँ, थोड़ा आधे से थोड़ा कम ही मैं नींबू डालूँगी, इतना इसमें नींबू डाल देंगे और एक चम्मच हनी भर करके डाल देंगे हम। और इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भयंकर से भयंकर खांसी इस रेमेडी से दूर हो जाएगी। इसे खाते ही खांसी कोसों दूर भाग जाएगी। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।